फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी माइनस फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस फोर पी इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट होने का मतलब है या तो इस इक्वेशन का दोनों रूट पॉजिटिव होगा या फिर इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो एक रूट पॉजिटिव होगा या दोनों रूट पॉजिटिव होगा। इससे हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के बारे में यही बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो दोनों रूट इक्वल हो या दोनों रूट डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव है, या तो एक रूट पॉजिटिव होगा या दोनों रूट पॉजिटिव होगा, लेकिन मतलब रूट तो होगा इसका ना। रूट होना मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना, ठीक है। तो देखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब माइनस टू पी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी माइनस फाइव इंटू माइनस फोर पी। तो यहाँ प्लस कर देते हैं और फोर पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये होगा। तो अब देखो, ये हो जाएगा फोर पी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन पी इंटू पी माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फोर कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो पी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन है ना, तो यहाँ फोर होगा, तो फोर पी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो, ये होगा फाइव पी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर फाइव पी कॉमन लेंगे तो पी माइनस फोर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको अब नंबर लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं, एक जीरो होगा एक फोर होगा। फोर से ग्रेटर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, चाहिए कौन सा? पॉजिटिव वाला है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। तो पॉजिटिव वाला मतलब फोर से ग्रेटर और जीरो से लेस। ये पी का वैल्यू आएगा किसके लिए? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट होना चाहिए। तो पहले ये चेक कर लो कि पी का वो वैल्यू फाइंड कर लो जिसके लिए दोनों रूट जो होगा वो नॉन पॉजिटिव होगा। तो देखो, लिखते हैं फोर नॉन पॉजिटिव रूट्स, फॉर नॉन पॉजिटिव रूट्स, अगर दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि देखो, बोला क्या है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि पी का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए दोनों रूट पॉजिटिव है, जिसके लिए एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव है, तो उसका दोनों रूट पॉजिटिव नहीं लो, ठीक है। बोथ फॉर नॉन पॉजिटिव रूट्स, नॉन पॉजिटिव रूट्स के लिए कंडीशन फाइंड कर लो कि जब कोई भी रूट पॉजिटिव नहीं है तब पी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। वो वैल्यू हटा देंगे, ठीक है, पूरा में से वो वैल्यू हटा देंगे, तब क्या आ जाएगा? तब आ जाएगा कि एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव होने का कंडीशन, ये होता है ऐसा। तो देखो, फॉर नॉन पॉजिटिव रूट, अगर पॉजिटिव कोई भी रूट पॉजिटिव नहीं है तो सम कितना आएगा? सम ऑफ रूट्स, मतलब कि एटलीस्ट वन रूट भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब देखो, दोनों रूट पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव रूट है, तो सम क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये भी लेस देन, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि नॉन पॉजिटिव रूट है, दोनों का सम करेंगे लेस देन इक्वल टू जीरो, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल जीरो है ना। मान लो दो नेगेटिव क्वांटिटी है, उसका सम तो नेगेटिव होगा लेकिन प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये हो गया, अब बीच में एंड का साइन है, ये दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो, सम ऑफ रूट्स कितना होगा? माइनस बी बाई ए, मतलब टू पी बाई पी माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस फोर पी बाई पी माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो माइनस फोर पी है, इसे माइनस वन से इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा फोर पी बाई पी माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ टू पी बाई पी माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक। दोनों का एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक तो जीरो, एक फाइव पी का वैल्यू, ऊपर जीरो नीचे फाइव, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन चाहिए क्या? लेस देन इक्वल टू जीरो है ना, लेस देन इक्वल जीरो चाहिए। तो लेस देन कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से लेकर फाइव तक ना है, तो लेस देन है जीरो से लेकर फाइव तक। तो पी का वैल्यू जब जीरो से फाइव तक है तब उसमें क्या कंडीशन है? कि नॉन पॉजिटिव रूट है, नॉन पॉजिटिव रूट है। अब देखो, नॉन पॉजिटिव रूट है तो जीरो से फाइव तक है, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही ना। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो कहाँ से कहाँ तक है? ये जीरो से लेस है और फोर से ग्रेटर है। तो नॉन पॉजिटिव रूट के लिए क्या कंडीशन हो गया? नॉन पॉजिटिव रूट के लिए कंडीशन हो गया कि जो पी का वैल्यू है फोर से लेकर
फाइव तक हो गया किसके लिए, नॉन पॉजिटिव रूट के लिए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव होना चाहिए मतलब पी का जो वैल्यू है वो फोर से फाइव नहीं लेंगे। जब पी का वैल्यू फोर से फाइव नहीं लेंगे तो पी का वैल्यू क्या होगा, तो पी का जो वैल्यू होगा वो डिस्क्रिमिनेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए और फोर से फाइव नहीं होना चाहिए। तो पी का वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक यूनियन, और फाइव से फोर से फाइव हटाना है ना, तो हो जाएगा फाइव से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा आंसर, ये जो जीरो है ना, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि जीरो क्लोज ब्रैकेट तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए है। ठीक है, समझ में। तो ये जो पी का वैल्यू है जिसके लिए जो रूट्स है वो एटलीस्ट वन पॉजिटिव होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो आप क्या करो कि नॉन पॉजिटिव रूट के लिए पी का वैल्यू फाइंड कर लो। जो पी का वैल्यू आया वो नहीं होना चाहिए तो उसको हटा दिए, और डिस्क्रिमिनेंट को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और फोर से इन्फिनिटी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए और फोर से फाइव नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि ये जो लाइन है इधर कहीं पे ये जीरो होगा, इधर फोर होगा, इधर फाइव होगा, तो फोर से फाइव नहीं होना चाहिए। कि जो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या बोल रहा है कि फोर से ग्रेटर होना चाहिए, जीरो से लेस होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि फोर से फाइव नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी जीरो और फाइव से इन्फिनिटी, यही ना। तो यही हो गया आंसर, आया समझ में। ओके।